हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। सबसे पहले मेरे जितने भी शिक्षक गण्स हैं उन सभी को तहे दिल से निशान प्रिय ब्लॉग में स्वागत है। तो हैप्पी टीचर्स डे। दोस्तों, आज बहुत खुशी की बात है, बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का जन्म दिवस है, आज मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में। तो दोस्तों, मैं सुबह से लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं मिला, मैं इन्हीं समय व्यस्त थी। मैं भी अपने इंस्टीट्यूट में गई हुई थी, वहाँ पे टीचर्स डे मनाई, सारी स्टूडेंट्स बोलने लगी आना है तो मैं भी चली गई। और बता दूँ दोस्तों कि एजुकेशन मुझे बहुत पसंद है, एजुकेशन लेना मुझे बहुत पसंद है, मैं अभी भी एजुकेशन ले ही रही हूँ। और मतलब पढ़ाई में मेरा बहुत मन लगता है, मेरा पढ़ाई कंटिन्यू चलता रहा है, कभी मैं पढ़ाई नहीं छोड़ी हूँ, पढ़ाई से मैं कभी भी पीछे नहीं भागी हूँ। मैं शादी से पहले भी पढ़ाई करती थी, मैं शादी के 10-15 दिन पहले भी पेपर देने गई हूँ, गर्दन में मोच आ गई ब्यूटीशियन का। उसके बाद मेरी शादी हुई तो शादी के बाद 3-4 साल जो भी है वही बीच में गैप था, अभी भी मेरा पढ़ाई जारी है, कंटिन्यू है। तो मैं भी गई थी अपना वो जन्म दिवस मनाने के लिए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी का। सन 1888 में उनका जन्म हुआ था, तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में हुआ था। और एक बात, राधा कृष्ण जी के नाम के आगे सर्वपल्ली क्यों लगता है मैं आप लोगों से बताना चाहूँगी, क्योंकि वो सर्वपल्ली गांव के रहने वाले थे। उनका पूर्वजों का कहना था कि हमारे गांव का नाम न मिटे, तो इसलिए वो अपने नाम के आगे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्ण लगाए। उन्होंने बहुत मतलब बहुत तरह की उपाधियाँ ली और हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति रहे हैं और द्वितीय राष्ट्रपति रहे हैं। तो बताते हुए मुझे बहुत गर्व हो रही है कि हमारे देश से भी ऐसे ऐसे विद्वान थे, ऐसे ऐसे टीचर्स लोग थे, हमारे देश में भी कुछ था जो विदेशी लूट कर ले गए, अंग्रेजों लूट कर ले गए, हमारे भारत में भी ऐसे ऐसे गुरु थे, ऐसे ऐसे महान लोग थे जिनकी यादें आज भी हैं। तो शिक्षा के क्षेत्र में काफ़ी धरोहर रहे हैं ये हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी। तो मैं सभी स्टूडेंट्स लोग से यही कहना चाहूँगी कि शिक्षा को ज़्यादा मतलब बढ़ावा दिया जाए, शिक्षा को अपना देश का वो जो भी है शिक्षा समझ कर मतलब इसे आगे बढ़ाए, शिक्षा का नहीं रोका जाए। बहुत लोग हैं तो अपना मतलब घर से लड़कियों को पढ़ने के लिए नहीं भेजते हैं, अभी भी है, अभी भी बहुत जगह पे है, तो ऐसा नहीं करें। सबको पढ़ने का अधिकार है, सबको जीने का अधिकार है, किसी पे भी कोई एलिगेशन नहीं लगाया जाए, कोई दबाव नहीं बनाया जाए, हर कोई पढ़ सकता है, हर कोई कुछ ना कुछ कर सकता है। तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण तो बहुत जगह पढ़ाई किए थे, मद्रास में ये प्रोफेसर भी रहे हैं, कलकत्ता पढ़ाई की है, मुंबई बहुत जगह पढ़ाई की है। दोस्तों, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है, जितना जानकारी था मैं उतना बता दी। उनसे बहुत सारे स्टूडेंट लोग मतलब बहुत खुश थे, तो उन्हीं लोगों ने सोचा कि चलो हम सर का जन्मदिवस मनाते हैं। तो उन्हीं का कहना था, डॉक्टर सर्वपल्ली जी का कहना था, राधा कृष्ण जी का कहना था कि क्यों ना इसे हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाएं। तो इसीलिए उनका जन्म उत्सव मतलब पूरे भारतवर्ष में मनाया जाने लगा शिक्षक दिवस के रूप में। आज सब लोग बोलते हैं कि टीचर्स डे है। देखिए दोस्तों, शाम हो चुकी है, अंधेरा होने वाला, मैं अपने छत पे हूँ। तो ऐसे ऐसे बहुत लोग महान पुरुष है, जैसे कि कृष्ण जी भी है, वो आपको महाभारत में अर्जुन को न जाने कितने बहुत सारे ज्ञान दिए थे, आचार्य द्रोणाचार्य हैं और चाणक्य जी हैं, बहुत सारे हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, शाम हो चुके हैं, मैं अब जा रही हूँ नीचे, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। अभी तो मोबाइल में आप लोग देख रहे हो कि साफ़ है, मोबाइल में साफ़ है, इधर के लिए साफ़ नहीं है, अंधेरा होने वाला, अंधेरा हो चुका है।
अगर हमारा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और प्यारा प्यारा कमेंट कीजिएगा। हमारे चैनल में नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। और ऐसा वीडियो मेरा डेली ब्लॉग आता ही रहेगा, डेली ब्लॉग में मैं कुछ ना कुछ डालती रहती हूँ। तो इसी के साथ मैं अपने बात को यही ख़त्म करती हूँ। बाय बाय, नमस्ते।